गदर 2 में होने वाली है शाहिद कपूर की एंट्री और क्या हो सकती है गदर 2 की स्टोरी लाइन। हाई एवरी वन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग सीक्वल मूवी यानी कि गदर 2 पर। आज हम बात करने वाले हैं मूवी की जो 90s के फैंस को काफी पसंद है और आज की जनरेशन भी इस मूवी को देखना काफी पसंद करती है क्योंकि इसके डायलॉग एक्टिंग और एक्शन सीन्स आज भी फैंस का दिल जीत लेते हैं। और दोस्तों बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, आज हम बात करने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा की जो रिलीज हुई थी 2000 में और इस मूवी ने उस साल के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही डाले थे और साथ ही साल उस साल के सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी और इस मूवी का भी कब्जा कर रखा था। और दोस्तों इसी मूवी की वजह से सनी देओल को फैंस आज भी एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों उस मूवी का वो हैंडपंप वाला सीन और पाकिस्तान में जाकर भी अपने प्यार को वापस ले आने का दम सिर्फ सनी देओल जैसे पावरफुल एक्टर्स को सूट करता है। और दोस्तों फाइनली 20 साल के बाद इस मूवी के सीक्वल को लेकर काफी सारी अपडेट्स आ रही हैं और दोस्तों अब कहा जा रहा है कि इस मूवी को पूरी नई कास्ट और न्यू डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बनाया जाने वाला है। और दोस्तों लास्ट ईयर से इस मूवी के लिए न्यू कास्ट की खोज भी शुरू हो गई थी पर डायरेक्टर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सनी पाजी के जैसे स्ट्रांग सुपरस्टार और कौन हो सकता है। तो दोस्तों उन्होंने सनी देओल से इसके रिलेटेड बात की और सनी ने बताया कि उनके नजर में एक एक्टर है जो उनके रोल को काफी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों उन्होंने किसका नाम लिया है ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों सनी देओल के अनुसार वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि शाहिद कपूर ही हैं क्योंकि उनका मानना है कि आज की जनरेशन को थोड़े यंग और एनर्जेटिक एक्टर्स की मूवीज पसंद आती हैं और इसलिए शाहिद कपूर इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेंगे। और दोस्तों फिर उनके सजेशंस लेने के बाद मूवी के नए डायरेक्टर यानी कि कबीर खान ने शाहिद को कास्ट करने का डिसीजन ले लिया है। अब बात की जाए शाहिद की तो उनकी लास्ट मूवी कबीर सिंह थी और इस बात को तो हम सब जानते ही हैं कि कबीर सिंह कितनी बड़ी सुपरहिट मूवी रही थी बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि शाहिद ने इस मूवी में भी एक लवर बॉय का किरदार निभाया था जो थोड़ा अग्रेसिव भी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ टाइप का कैरेक्टर गदर 2 के लिए तारा सिंह का भी था। तो दोस्तों हो सकता है कि शायद फिर से एक बार अपना जादू बड़े पर्दे पर दिखा दे शाहिद कपूर अब गदर 2 के थ्रू। तो दोस्तों अगर बात की जाए गदर 2 की स्टोरी लाइन की तो इस बार ये मूवी एक लव स्टोरी ही होगी पर अब की बार पाकिस्तान नहीं बल्कि मूवी के एक्ट्रेस यानी कि कियारा आडवाणी को सायरिया में किडनैप किया जाएगा और फिर शाहिद वहां जाकर सारे टेररिस्ट रिकॉग्नाइजेशन से लड़कर अपने प्यार को वापस इंडिया लेकर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब वेट किस बात का है आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कितने एक्साइटेड हैं शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की एंट्री अब गदर 2 में देखने के लिए। हाँ दोस्तों इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बॉलीग्राड स्टूडियोज और हमारे आज के राइटर हैं आकाश झा।